हाँ ग्रुप का लिंक है सर, 31 तारीख से इनका इलाज चल रहा है, लेकिन को अभी कोई फायदा नहीं हुआ सर अभी तक। नहीं, इलाज चल रहा है, बट फायदा होगा। ठीक है, आप ग्रुप में अपना ये जो भी हिस्ट्री है ना, उसको डालिए, अच्छा ठीक है सर। अभी डालिए, अभी अभी आपको देते हैं उसका, मतलब देख के देखते हैं, पूरा डिटेल, पूरा हिस्ट्री डालिए उनका, अभी अभी के अभी आपको देते हैं। ठीक है सर, ठीक सर, ओके दोस्तों भाइयों, ठीक गुरु सर, जी राम के राम सर। लाडलों, राम राम, शुभ जी सर, रात्रि। परविंदर एक और जी, बात बताता हूँ मैं आखिर में, अगर सर ये रूम की कंप्लीट हो जल्दी गया गोलीबर करा वाला। दी, वो ग्रुप में हम लोग लिख देंगे, क्योंकि यहाँ जो है ना, देख रहे हैं कि अभी बहुत कम लोग बचे हैं। जी सर, भाई 20 लोग हैं। एक और बात बताया था आखिर की, गोलीबर का तो हाँ खत्म हो वो गया ना आप अभी। लोग, अच्छा उसमें उस ट्रॉफी का जो बचा हुआ है आखिरी लाइन, हाँ वो सब हो गया। एक वो जो थाइमस और एडियर की क्लास हुई थी आखिर में, पिछले से हाँ पिछले मंडे। हाँ 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 उसमें उसके बारे में। एक दो पॉइंट है उसमें, एक थाइमस और उसके ऊपर एडीआर के ऊपर। हाँ हाँ बोलिए। एक तो वो था कि थाइमस, गुरुजी ने बोला था कि जिनको घुटने में चोट लगी या फिर जितने घुटना दर्द है उनको भी थाइमस नहीं देना ये स्टार्टिंग में मत उसका। देना। हाँ जिनको अगर कोई घुटने में कोई फ्रैक्चर हो तो उसको तो बिल्कुल ही नहीं देना, नहीं और देना इसलिए नहीं क्योंकि अगर गिरा हुआ है उसका फ्रैक्चर आ गया घुटने में गलती से भी, और हल्का सा भी हाँ, इसका और सिनोवियल देना भी, फ्लूइड, देना भी हो तो कुछ दिन बाद में देना, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग है, में तो बिल्कुल नहीं। द राउंड अराउंड दे सकते हो कि मगर जो सिनोवियल फ्लूइड है, सिनोवियल फ्लूइड जो ग्रीस है घुटने की, वो बनी तो शरीर से ही है, रॉ मटेरियल सारा शरीर से गया, लेकिन थाइमस नहीं पहचानता उसको। हाँ अगर गलती से थाइमस दे दिया ऐसे पेशेंट को जिसको सिनोवियल फ्लूइड लीक हो चुका है गलती से भी, वो तो सर तुरंत थाइमस हाइपर प्रॉब्लम हो बढ़ जाएगा जाएगा और बहुत, उसका वो गठिया बन जाएगा आगे जाके, मतलब ऑटोइम्यून बन जाएगा, तो यानी जहां वो जहां पे, गांठ, हाँ हाँ वो मतलब गांठीला हो सकता है। बिल्कुल, जहां जहां फिर ज्वाइंट है वहां पे थाइमस अटैक करेगा फिर, हाँ वहीं पे जाके, वहीं जहां जो रहेगा तो वो प्रॉब्लम तोड़ेगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम को हटाएगा नहीं, वहीं पे जकड़न पैदा कर देगा। बिल्कुल, वो और ज्यादा खराब कर देगा, वो हाइपर हो जाएगा ज्यादा हाँ ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये जो था कि एडीआर देने से उसका सांप का बिच्छू का जहर खत्म होता है, हाँ गुरु जी का लॉजिक ये था कि जो कोर्टिसोल है ना हमारे शरीर में, जो प्रोटीन है, जो आवाज हेलो कम आ रहा है आपका परविंदर जी, आवाज कम आ रहा है। अब आ रही है आवाज? हाँ। हाँ, जो 6 एडीआर देने से जो कोर्टिसोल रिलीज होगा, जो सांप का बिच्छू का जहर है वो किसी काम का नहीं हमारे शरीर के लिए, तो कोर्टिसोल उसको कम तोड़ सकता है, उसको वो ऐसा जहर में, जहर को तोड़ के ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो हमारे लिए इस्तेमाल के लिए, यूज के लिए हो सके। तो बिल्कुल बिल्कुल ये गुरुजी ने इसलिए 6 एडीआर दिया था, स्कॉर्पियो बाइट के लिए या स्नेक बाइट के लिए, ये किसी जी जहरीले पत्ते बिल्कुल से अगर बिल्कुल। हो जाए। इसीलिए आप एडीआर दे दीजिएगा तो मतलब उतने घातक नहीं होगा इन सब टाइप बिल्कुल के केसों में, गुडनी वाले में, चाहे वो इंफ्लामेटरी इन्फेक्शन बिल्कुल इंफ्लामेटरी में। लेकिन थाइमस एक बैग से दे देने पे कंप्लेन दुगना क्या बहुत ज्यादा भी बढ़ सकता है, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल थाइमस देने से पहले सोचें। इंजुरी भी देना हो तो राइंड और दें, स्टार्टिंग में किसी को भी थाइमस वाला इंजुरी ना दें। बिल्कुल हाँ बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर जिसमें होगी, थाइमस एकदम इसमें मस्ट है, पस वगैरह आ गया हो या उस टाइप का क्लियर दिखाई दे तभी कंफर्म होने के बाद दीजिए, वरना थाइमस एडीआर भी नहीं, लेकिन एडीआर 6 में हुए मतलब चल सकता है, लेकिन थाइमस तो बिल्कुल नहीं, थाइमस तो बिगाड़ देता है खेल। बिल्कुल। बहुत और बहुत एक, धन्यवाद। हाँ एक और बात थी कि ये आचार्य जी ने बताया था एक बार, गुरु जी बोलते हैं जिसको रात को लार टपकती है सोते हुए, हाँ। उसका एक तो ये कोलोन में अपना इंटेस्टाइन खराब है, उसमें मंद जमा हुआ है, और दूसरा उसको गोलीवर्स लगी शायद काम नहीं कर रहा है ठीक से, जिसको लार निकलती है सोते हुए रात को, लार निकलता और है जो मुंह बंदा रात से। को उठ के बैठ जाएगा इसको, जिसको सर में 12 बजे 1 बजे गैस बनेगी बैठ के, तो वो गैस का पेशेंट है पूरा पूरा, जो रात को 12 बजे हाँ उठ के बैठेगा, जो बच्चा रात को 12 बजे रोएगा उठ के, उसको गैस की दिक्कत होती है आमतौर पर। हाँ उसको सीवियर गैस का प्रॉब्लम है। बिल्कुल जी, बस ये 2 3 चीज़ याद आई थी, वो बतानी थी बस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सबों को धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं कि हम लोग धीरे धीरे गुरु जी के उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसके बारे में गुरु जी हमेशा कहा करते थे, पुत्र मेहनत कर, पढ़ाई कर और आगे गुरु न्यूरोथेरेपी को बढ़ा, खुद भी अपना डेवलपमेंट कर। बिल्कुल, तो हम लोग विदा लें एक दूसरे और से। हाँ सर अगर किसी, हाँ जी बोलिए सर कभी बोलिए, भी प्रोग्राम हो, हेल्प का जरूरत हो तो हमको बुलाइए सर, कैंप लगाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सर बोल रहे हैं आप? सर मैं पुणे से बोल रहा हूँ।
अच्छा जी अच्छा, हाँ हाँ तो हम बिल्कुल सेवा बिल्कुल करने के लिए आएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, बुलाएंगे ही, जी, बुलाइए सर, हम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब भी यह लगेगा तो आप सब लोग एक बैनर पे आएंगे, कैंप वैसा लगने की तैयारी होगी अब। जी, जिधर पर गरीब लोग हैं उधर पर हम पक्का 100% आएंगे सर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी और जी ऐसे ही थैंक हम सब लोगों को एकजुटता से का परिचय दे करके और एक दूसरे के लिए सारे न्यूरोथेरेपी परिवारों को एक दूसरे का मदद करना है। भी कुछ तब कहना था। तो तक जी बोलिए। मेरी बात हो रही थी, फिर उसके बाद सडन मैं ये जूम क्लास से मैं आउट हो गई पता नहीं कैसे। तो अभी मैंने रीज्वाइन किया था तो मेरी बात अभी पूरी नहीं हो पाई थी। तो क्या मैं अच्छा, आप, डायबिटीज, डायबिटीज के बारे में मैडम आप ही बता रही थी ना। हेलो, जी सर, जी सर, तो आप ना अपना पूरा डिटेल, हेलो, जी सर, मैं सुन रही हूँ सर। पूरा अपना डिटेल ग्रुप, ये हरी सब जानता है, ग्रुप में आप डालें, आपको पूरी तरह से बढ़िया से फीडबैक मतलब देते हुए, और आप फॉर्मूला भी देते हैं आपको। अभी आप डालिए, इस ग्रुप का लिंक है ना आपके पास। हाँ सर, अभी मिल गया, अभी भैया ने दिया। हाँ, तो बस आप अपना पूरा डिटेल डालिए, थोड़ा सा उम्र, बच्चे कितने हैं, ऑपरेट कोई हुआ है क्या, शुगर बीपी का क्या कंडीशन है, मेंसेस का क्या कंडीशन है, और ये सारा ही हिस्ट्री डालिए। अभी के अभी फॉर्मूला आपको देते हैं हम लोग। सर ओके। और सर मैं आपसे मतलब जैसे सर मैं डायबिटीज रिवर्सल के लिए जो भी डाइट वगैरह है सर, मैं ऑलमोस्ट 5 साल से तो मतलब मैं कभी मिलेट्स कभी प्रोटीन डाइट ऐसे कर रही हूँ, वो भी उसमें ही नहीं, लिंक हूँ। हम लोग जो गाइडलाइन देंगे उसमें सब चीज खाइएगा, सब चीज खाइएगा, पूरी मस्त रहिएगा, और आपको कभी शुगर फिर नहीं होगा लाइफ में। गुरु जी की कृपा, गुरु जी की कृपा से। इसलिए जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी बोलिए, अपने भी स्वस्थ होइए और दुनिया को भी स्वस्थ कीजिए। जी पर मुझे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना था कि सर मैंने ये जब लॉकडाउन में मतलब सीखा था, उसके बाद से मैं जब अपने घर में ये छोटा मोटा मतलब हम लोग प्रैक्टिस करते थे, लेकिन सर उसके बाद से फिर मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं डायबिटीज कभी मेरी ठीक होगी कि नहीं होगी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मतलब शायद ये मैं पिछले महीने की बात बता रही हूँ, पूरा पिछला महीना भी नहीं है, एक 20-25 दिन पहले की बात, सर मुझे बहुत ज्यादा वर्जाइनल इन्फेक्शन और अल्सर्स हो गए थे। फिर मैंने जी गांधी सर जी से वापस से रिकनेक्ट करके उनसे मैंने ट्रीटमेंट लिया, और विद इन 4 डेज सर, मॉर्निंग एंड इवनिंग के दो ट्रीटमेंट लेने के बाद से सर मेरे वो अल्सर्स इतने पेनफुल थे कि मतलब मुझे मेंसेस में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, वो सर 4 दिन जी हो गए सर। और सर मुझे उस जी दिन से लेके आज तक मतलब जो मेरा एक विश्वास बढ़ता जा रहा है और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर मुझे थोड़ा सा गाइडलाइन उतना नहीं मिला, नहीं तो सर मैं नहीं भी नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात फिर दोबारा मत बोलिएगा। गुरु जी आपके लिए मतलब हम सब के रूप में मतलब आए हुए हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो के कोई भी कंप्लेन हो गुरु जी का ध्यान धरिए, और ज्यादा ये हो तो ग्रुप में एक बार डालिएगा, गुरु जी तुरंत आपको फॉर्मूला शेयर करेंगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा। नहीं तो हम लोग तो अपने कोशिश से आपको लाभान्वित करने का भरसक कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ने वाले को पीछे से हम लोग बूस्ट रूप में आपको बूस्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी बोलते रहना है। सीनियर्स को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, जितने भी मेरे से, मैं तो बहुत ही छोटी हूँ सर अभी, मैं सबको बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, आपका छोटा छोटा कोई बात एक्सचेंज। नहीं, जितने जितने छोटे होते हैं उतने ही गुरु जी के प्यारे होते हैं, इसलिए आप हम सबों से ज्यादा प्यारे हैं गुरु जी के। थैंक यू सो मच सर। और सर आप लोगों का एक्सपीरियंस बहुत कॉन्फिडेंस देता है, बहुत सीखने को मिलता है सर। ये गुरु जी का दिया हुआ कॉन्फिडेंस है, हम लोगों का कुछ नहीं है इसमें, भूल बिल्कुल जाइए। अरे हम बिल्कुल लोग कुछ नहीं है, ये गुरु जी जो है ना, गुरु जी देखिए कैसे मस्त हंसी हंस रहे हैं, ये सब जी इनका हुआ है, इनका किया हुआ है, ये जो है सर, ये उनका औरा ही हम सबको जोड़ के रखे हुए है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और भी जोर के रखेंगे, अभी बहुत लोग जुड़े नहीं है, अब सब जुड़ने वाले हैं, चिंता मत कीजिए, काम कीजिए, गुरु जी आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, जी सर, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी, शुभ रात्रि। और थैंक किसी का सवाल कुछ बच गया हो यू तो सर, आगे उस थैंक पे यू शेयर कर बोलना। सकता है ग्रुप पे।
हाँ, जिनका भी जो भी बचा हो प्लीज ग्रुप में डालें। अभी सभी लोगों बिल्कुल को बैटरी, किसी का नेट, सबका जवाब दे रहा है, जी इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं। बिल्कुल ग्रुप में डालिए और अभी के अभी रात में ही आप लोगों को सारा चीज, सारा गिलासी को दूर किया जाएगा, चाहे जितने बजे रात तक हो। भैया नमस्कार, गुरु थैंक यू सर, जी नमस्कार। की जय, जय न्यूरोथेरेपी, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। ठीक है, ओके परविंदर जी, ओके थैंक यू, सर, नमस्ते, धन्यवाद, सबका धन्यवाद। नमस्ते।